प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बार फिर से समन भेजा है। आप सभी को बता दें, ये समन दोबारा भेजा गया है क्योंकि इससे पहले सोनिया गांधी को लेकर ये तमाम खबरें थी कि ईडी की पूछताछ जल्द ही होगी, लेकिन कोविड का शिकार हुई थी और तमाम यहाँ पर बीमारियों को लेकर भी खबरें सामने निकल कर आई थी। लेकिन बता दें कि बुधवार को सोनिया ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए ईडी को एक पत्र लिखा और पूछताछ को स्थगित करने का अनुरोध किया था, जिसे कि जाँच एजेंसियों द्वारा मान भी लिया गया था। बता दें कि हाल ही में सोनिया गांधी कोरोना से संक्रमित हुई थी, जिससे उबरने के बाद भी उनकी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं हो पाई है, जिस वजह से वे ईडी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो सकी। कोविड संक्रमण होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि किस तरीके से अब सोनिया गांधी को जुलाई के बीच तक जांच में शामिल होने को कहा है। इसके बीच इस महीने की 2 तारीख को सोनिया गांधी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 12 जून को नाक से खून बहने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सोनिया गांधी को पहले 8 जून को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने अपने कोविड संक्रमण को देखते हुए जांच एजेंसियों से समय की मांग की थी। इसके बाद यहां पर आपको बता दें, जांच एजेंसी ने नया समन जारी किया और उन्हें 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की गई। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से 5 दिनों तक करीब 50 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की। राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब ईडी दोबारा से तैयार है। यहाँ पर सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए जुलाई के महीने का समन भेजा गया है। देखते हैं इस पर सोनिया गांधी कैसे यहाँ पर बातें करती नजर आती, क्योंकि कई लोगों का ये कहना था कि ईडी की जांच से बचने के लिए सोनिया गांधी यहाँ पर ये अलग ही एक तरीके से राजनीति करती नजर आ रही है। लेकिन अब ईडी द्वारा दोबारा समन भेजा गया है बीमार सोनिया गांधी को। देखते हैं अगला डिसीजन क्या होता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।